नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ, मटर को प्रिजर्व करने जा रही हूँ। कैसे प्रिजर्व करते हैं, सफल वाले मटर जो हम खरीद के लाते हैं तो कितना महंगा होता है, और वैसे फ्रोजन मटर लाते हैं तो वही मैं करने जा रही हूँ कि हमें पैसे बचाने हैं। अभी हरा हरा मटर भी मिल रहा है, सर्दी का मौसम है तो इसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं पूरी साल भर के लिए, तो 8-10 महीने आराम से इसको प्रिजर्व कर सकते हैं और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए, मैंने लिया है ये 1 किलो मटर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पानी उबलने के लिए रखा है। अब ये जैसे उबलेगा ना तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि इसके बाद क्या करना है। देखिए पानी उबल रहा है, इसमें मैं एक चम्मच चीनी है भर के डाल दूँगी मैं, और ये 1/4 चम्मच नमक है ये भी डाल दूँगी। अब ये देखिए इसमें मैं मटर डालूँगी तो उबलना थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मटर डाल देंगे, ये देखिए मटर अभी सारा नीचे बैठ गया है। धीरे धीरे वो ना 1-2 मिनट रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1-2 मिनट के अंदर ही वो ऊपर आ जाएगा। अभी मटर नॉर्मल था बिल्कुल, तो पानी ठंडा हो गया है, जैसे फिर से पानी गर्म होगा ये धीरे धीरे सारे मटर ऊपर को आ जाएंगे, और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मटर हरा हरा लगेगा। ये जो मैंने डाला है नमक और चीनी, उसे बिल्कुल हरा बना रहेगा। जो देखते है ना कि गंदा सा दिखता है, तो ये इसका कलर बड़ा अच्छा सा रहेगा, देखने में बढ़िया लगेगा और खाने में भी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए नमक और चीनी डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए। मैंने मटर को पहले धो लिया था, धोकर उसको अच्छे से चुन उन लिया था, उसके बाद मैंने इसको इसमें डाला है। देखिए मटर कुछ ऊपर आने लग गया है, ये देखिए धीरे धीरे सारे मटर ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए हमारे सारे मटर ऊपर आ रहे हैं। ये जो मैंने क्रिया किया इसको ब्लांचिंग बोलते हैं। तो और अच्छे से ये रखने में अच्छा होता है, इसको पकाते नहीं है पूरी तरह, इसको पकाना नहीं है कि अच्छी तरह पक जाए, इसको ढकना भी नहीं है, ढकने से ये ख़राब हो जाएगा। देखिए अब हमारा सारा मटर ऊपर आने लग गया है, अब इसको निकाल लेंगे इस तरह से छान कर, ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे, इसको ढक देंगे तो ये कुक हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसको ढकना नहीं है। इस तरह से निकाल लेंगे और छन्नी पे रख देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से सारे मटर निकाल लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर ठंडा पानी ली हूँ और इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े भी ली हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो इसी में मैं मटर को, गर्म मटर है इसको इसी में डाल दूँगी सारा। इसको ठंडे पानी में डालने का मतलब ये है कि इसका कुकिंग जो चल रहा था वो बिल्कुल रुक जाना चाहिए अचानक से, तो ठंडे में पानी में डालने से ये रुक जाता है। और इस तरह से इसको 4 से 5 मिनट तक इसको इसमें ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर निकालेंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल ठंडे हो गए हैं ये, तो 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इसमें से, इस तरह से पानी अलग कर दूँगी इसमें से, इस तरह छन्नी से छान लेती हूँ। और देखिए कितने सस्ते में हमारा काम चल जाता है, यदि हम प्रिजर्व करके रख लें तो आसानी से बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा, और ये जो पहले जो पानी बचा था जो मैंने उबाला था वो पानी में, अगला और भी बनाना हो आपको तो उसी पानी में और भी 1-2 बैच डाल सकते हैं, फिर उसमें अलग से आपको नमक और चीनी नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। कई बार क्या होता है कि जब हम इसको रखते हैं सेव करके, तो कुछ समय बाद जब निकालते हैं तो देखते हैं कि चिपचिपा सा हो रहा है, तो उस चिपचिपा से बचाने के लिए एक उपाय मैं बताती हूँ। जैसे ये मैंने लिया है एक कपड़ा, तो इस कपड़े पे मैं इस तरह से फैला दूँगी इस तरह से, और इसको 5-6 घंटा फैला कर छोड़ दीजिए, कोई धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, कमरे में ही टेबल पर कहीं रख दीजिए। तो इस तरह से 6 घंटे रख देंगे तो ये ऊपर से जो पानी पानी लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर ये इसको आप
सेव कीजिए, पॉलिथीन में या जिप लॉक में रखते हैं या बोतल में रखते हैं, फिर वो चिपचिपा नहीं होगा। ये देखिए थोड़े ड्राई हो गए हैं ये, तो मैं इसको पैकेट में डालकर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से पैकेट ले लीजिए, आपको जितना एक बार में जितना यूज करते हैं, जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम आपका कितना यूज है उसी हिसाब से उसमें डालिए। क्योंकि एक और चीज़ है जिससे मटर ख़राब होता है, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है, एक जगह हम रख देते हैं 1 kg आधा kg, उसके बाद यूज हमें कम करना होता है, तो यूज करने के पहले हम निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए रखते हैं, और फिर थोड़ी देर आधा एक घंटा बाहर रहता है फिर अंदर रखते हैं, इसलिए ये ख़राब होता है। तो हम जैसे मेरे को एक बार में इतना ही चाहिए, तो इतना छोटा छोटा सा पैकेट इस तरह से बनाइए और फ्रिज में ऐसे रख दीजिए, और पैकेट में रहेगा तो जगह भी कम लेगा फ्रिज में, तो इस तरह से अपना सारे मटर का पैकेट बना करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने पैक कर लिया है, ये आधा ही पैक कीजिएगा, इसमें ज़्यादा पूरा मत भरिएगा, पूरा भरने से ठीक नहीं रहता है, आधा ही भरा करिएगा, और आधा भर के इस तरह से मोड़ करके रखिए, जितना आपको यूज करना है उसमें से एक पैकेट निकालिए, यूज कर लीजिए। इसको कभी भी रखना हो तो फ्रीजर में रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखिएगा, फ्रीजर में रखिएगा तो ये कभी ख़राब नहीं होगा, आप 8 से 10 महीना आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।